जया बच्चन ने शून्यकाल के दौरान कहा कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि खराब नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो बीते कल लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक लोकसभा सदस्य के ऊपर शर्मिंदा है। सोमवार को रवि किशन ने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था और इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन से मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और ये देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी ये पहुंच चुका है और एनसीबी इसकी जांच कर रही है। जया बच्चन ने कहा, मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले लोग सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, अब वो इसे गटर कह रहे हैं। मैं पूरी करती हूं कि सरकार ऐसे लोगों की इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करने को कहेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जया बच्चन के जवाब में समाचार एजेंसी ANI से कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि जया जी मेरी बात का समर्थन करेगी। इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग नहीं लेता, लेकिन जो लेते हैं वो इस साजिश का हिस्सा है जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के बर्बाद करना चाहती है। जब मैं और जया जी आए थे तब ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब हमें इंडस्ट्री को बचाने की ज़रूरत है। ऐसी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी खबरें देते रहें। धन्यवाद।